Hello everyone, welcome to Global Online Platform. This is Professor Swati Patil and today we are going to study about NTA UGC NET June 2024. In this session we have discussed about Political Science Unit 2nd, Political Thought. Political Thought में आज हम है कि कार्ल मार्क्स और मैकियावेली के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और साथ ही जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वह हम प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यू देखने वाले, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का यूनिट सेकंड पॉलिटिकल थॉट राजनीतिक विचार में हम हेगेल, कार्ल मार्क्स और मैकियावेली के बारे में आज पूरी जानकारी ले लेंगे और पूरी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेगेल हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है, परसेप्शन, रैशनैलिटी, एम्पिरिकल अकम्प्लिशमेंट और पॉलिटिकल अंडरेस। हेगेल के अनुसार इतिहास बढ़ते हुए किसको दर्शाता है? तो धारणा, तर्कसंगतता, अनुभवजन्य उपलब्धियां या राजनीतिक अशांति को क्या करता है? इतिहास बढ़ते हुए को दर्शाता है, यानी रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग करते, धारणा को तो नहीं करते, अनुभवजन्य उपलब्धि यानी एम्पिरिकल जो भी अकम्प्लिशमेंट है इसके साथ भी ही इतिहास को बढ़ते हुए क्या करता है, दर्शाता नहीं। इसके साथ ही ये भी जो भी हमारा जो भी ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या होता है, एमिनेंट होता है। साथ ही अराजनीतिक अशांति जो है, राजनीतिक अशांति को हेगेल के अनुसार इतिहास में बढ़ते हुए क्या करते हैं, दर्शाता नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होता है यहाँ पर एलिमिनेट होता है। इसके साथ ही जो भी तर्क संगत है ऑप्शन बी है वही इनका आंसर है, जो भी हेगेल के अनुसार इतिहास बढ़ते हुए तर्क संगतता को क्या करता है, दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू हेगेल हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग रैशनैलिटी, रैशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेगेल, फ्रॉम हेगेल टू अकॉर्डिंग टू हेगेल हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग रैशनैलिटी, तो आंसर इज दैट रैशनैलिटी। तो हेगेल इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हेगेल का एकमात्र आदर्शवादी या सार्वभौमिक दर्शन यह है कि दुनिया का पूर्ण विचार का क्या है, यह आविष्कार है, इनमें से विरोध, विकास और संघर्ष के माध्यम से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि विरोध, विकास या संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन क्या होते हैं, होते रहते, परिवर्तन के संसार का ही सार है। विश्व की घटनाओं पर आधारित विचार या तो प्रचारगर्भ या श्रेयगर्भ, यानी विश्व चेतना के क्या है, यह आविष्कारक है, ये विकास की और बढ़ते है, क्योंकि दुनिया वास्तविक, रचनात्मक और क्या है, परिवर्तनशील है, इसीलिए इसके पार या कुछ भी नहीं है, केवल दृश्य या आधार है, यानी परिवर्तन ही क्या है, मूल ही प्रक्रिया है जो संसार में निरंतर चलती रहती है और विकास की दिशा में क्या करती है, आगे बढ़ती है। संसार में विवेक का तत्व भी द्वंद्वात्मक ढंग से क्या किया जाता है, प्रकट होते हैं। हेगेल इसके साथ ही और आगे कहते कि हेगेल ने मानव अस्तित्व से पर जाकर मानव अस्तित्व, ज्ञान, इतिहास और कला के माध्यम से सर्वव्यापी जो भी सार्वभौमिक चेतना या सार्वभौमिक चेतना के आविष्कार की क्या करती है, अवधारणा जो भी है वह विकसित करती है, जिसकी उन्होंने द्वंद्वात्मक के सिद्धांतों में क्या की गई है, चर्चा की गई है। वे सत्य की ही अंतिम एवं एकमात्र मूल्य एवं अतीत स्वरूप भी मानते हैं, यानी सत्य केवल अस्तित्व में ही नहीं और मानवीय समझ से भी परे है, उन्होंने ऐसी भूमिका ही साथ ही ज्ञान मीमांसा को क्या किया है, अपना है। हेगेल के अनुसार पदार्थ और मन द्वैत प्रतीत होते, लेकिन वास्तव में क्या है, वही एक ही है। इसके साथ ही मनुष्य की कल्पना जो भी संसार की है, जो सक्रिय निर्माती है, मन अर्थात विश्व चेतना का क्या है, वह आविष्कार है, यानी स्वयं की जागरूकता एवं इच्छा शक्ति से ही मानव व्यवहार की प्रगति की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। बात करते समय विश्व चेतना उद्देश्यपूर्ण प्रगति की आड़ में आने वाली विरोधी शक्तियों से क्या कर रही है, लड़ रही है। इसी के साथ जो भी हेगेल द्वंद्वात्मक विरोध है, विकास का तत्व है, जो रचनात्मक गतिविधि जो भी चेतना का मूल स्वभाव है और रचनात्मक गतिविधि के कारण ही विश्व चेतना जो है वह स्वयं को क्या करते हैं, मूर्त स्वरूप ले सकते हैं। इसी कारण जो भी हिस्ट्री है वह रैशनैलिटी पर डिपेंड है, यह हमें हेगेल ने इस पर यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इसके बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए NTUGC नेट पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कोर्स के लिए कौन कौन से सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो फॉर जून 2024 के लिए डेली लाइव लेक्चर्स रहती है, साथ ही फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं, फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं,
जो भी हिंदी और इंग्लिश के दोनों ही माध्यम से आपको फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी आपको बताए जा सकते हैं। इसके साथ ही लैपटॉप और वेब भी रहेगा। यह कम्प्लीटली जो भी हमारे जून के लिए एग्जाम है, इसके साथ ही 20 मई जो भी है, यह न्यू बैच है 20 मई से स्टार्ट होने वाली है। आप हमारे जो एग्जाम है जून में 18 जून को एग्जाम होने वाली, इसके लिए जो भी टारगेट करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। साथ ही जो भी दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं इसके लिए भी यह महत्वपूर्ण बैच है। इसके साथ ही आपको इनकी फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर हो वह 10,000 है। आफ्टर डिस्काउंट आपके लिए 20% डिस्काउंट के साथ 8,000 रहेगी। 8,000 में आपको पेपर सेकंड के साथ साथ ही पेपर फर्स्ट भी पूरा मुफ्त मिल सकता है, यानी गेट पेपर कंप्लीट कोर्स विद पेपर सेकंड। इसके लिए यहाँ पर दिए गए हुए कॉन्टैक्ट पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और व्हाट्सएप भी करना है। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपका नाम क्या करें, एनरोल करें और रजिस्टर करें। प्ले स्टोर में जाकर आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। ओपन करने के बाद आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाते ही आपको अलग अलग कोर्सेज दिखाए जाएंगे। अलग अलग कोर्सेज में आपको UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में टाइप किया तो उसके साथ ही आपको UGC पॉलिटिकल साइंस में ओवरव्यू दिखेंगे, कंटेंट लाइव क्लासेस की क्लासेस दिखेंगे, नोट्स दिखाई देंगे। इसके साथ ही पेपर सेकंड के कंप्लीट कोर्स के जो भी लाइव लेक्चर्स रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, पूरा सिलेबस जो भी नोट्स से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, ड्यूरेशन कंप्लीट चाहिए आपको 1 ईयर रहेगा। आपके 1 ईयर में आपको जो भी जून के लिए टारगेट करना चाहते हैं, दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए कम्प्लीटली ये कोर्स क्या रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही जल्द से जल्द आपको क्या करना है, आपका नाम यहाँ पर एनरोल करना है, जल्द से जल्द आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सेकेंड क्वेश्चन इज वन वे हेगल डिफाइंड इंडिविजुअल फिनाइट और कॉन्शियसनेस परसेप्शन स्पिरिट और मैटर। यानी हेगल द्वारा जो व्यक्तिगत सीमित और चेतना को परिभाषित करने का एक कौन सा ऐसा तरीका है जो हेगल द्वारा क्या किया गया है, बताया गया है, कॉन्शियस के बारे में बताया गया है, परसेप्शन के बारे में, स्पिरिट के बारे में या मैटर के बारे में, ठीक है। हमें यहाँ पर हेगल द्वारा जो भी व्यक्तिगत सीमित चेतना को परिभाषित करने का जो भी एक तरीका बताया गया है वह चेतना पर बताया गया है, धारणा है, आत्मा है या मामले के बारे में बताया गया, यानी मैटर के मामले में हमें बताया गया है। तो इसके साथ व्यक्तिगत और सीमित चेतना के बारे में जब भी हेगल के बारे में बात करना चाहते हैं तो स्पिरिट के बारे में वह हमें क्या करते हैं, बताना चाहते हैं। इसीलिए इनका आंसर है, आंसर इज दैट सी, जो आत्मा यानी हेगल द्वारा व्यक्तिगत सीमित चेतना को क्या करते हैं, परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण क्या है, तरीका है। हेगल सपोर्टेड द व्यू दैट द पास्ट इज द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड द ट्रांसेंस ऑफ हिस्ट्री। यूनिटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ हिस्ट्री वेर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल एनालिसिस के बारे में हेगल जब भी बताए, इनके यूनिटी के बारे में, कंटिन्यूटी और इंटीग्रिटी के बारे में, जो भी हमें हिस्ट्री के बारे में जो भी बेसिक प्रिंसिपल है जो हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। इन हिज साइंस ऑफ लॉजिक हेगल लेड आउट होलिस्टिक अप्रोच टू टोटल एग्जिस्टेंस एंड द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इट। हेगल्स इंट्रोडक्शन टू एग्जिस्टेंस इन ब्रीफ इज, एग्जिस्टेंस इज एन आइडिया लाइक कॉन्शियसनेस लाइक सुपरफिजिकल एलिमेंट्स दैट इज आइडिया एंड स्पिरिट। दैट इज द हियर आंसर इज idea and spirit. It is not limited to only human being, but it is the only, yani absolute or universal element that goes beyond the specific existence in the form of consciousness, is a self-determining and the discriminating. Only universal consciousness is a never stable part, keeps developing from the self to history to self. Knowledge and self-knowledge, human awareness and freedom are only the pinnacle of the historical development of Science and Universal Consciousness. That's name, the Hegel's introduction to existence. The existence is an idea like the consciousness, idea like or consciousness like a supra physical element, that is the idea and spirit. Okay, so next question is that, question third, according to Hegel, that is the second stage of the repeating pattern of development that history embodies. The state of the affairs that mirror the first stage, the state of affairs directly opposed to the first stage, द पॉलिटिकल सिचुएशन या द मॉरल सिचुएशन। यानी हेगल के अनुसार इतिहास द्वारा दोहराए जाने वाले
विकास के पैटर्न का दूसरा चरण कौन सा है, यह हमें यहाँ पर बताया गया है। जो भी एम ही दिया गया है कि मामलों की स्थिति जो पहले चरण को प्रतिबंधित करती है, सेकंड में पूछा गया है कि मामलों की स्थिति सीधे तौर पर पहले चरण के विपरीत है या राजनीतिक स्थिति के है या नैतिक स्थिति पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेगेल के अनुसार इतिहास द्वारा दोहराए जाने वाले जो भी विकास के पैटर्न द्वारा जो भी चरण है वो दूसरा चरण किसके बारे में बताया था, द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ डायरेक्टली अपोज टू द फर्स्ट स्टेट। इसलिए इसका आंसर जो है आंसर इज दैट बी, जो भी मामलों की स्थिति सीधे तौर पर पहले चरण के क्या करते हैं, विपरीत करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हेगेल ने यहाँ पर बताया गया है कि थ्री स्टेजेस है, कौन से है थ्री स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेगेल देर आर थ्री स्टेजेस इन द प्रोसेस थ्रू विच रीजन हिस्ट्री एंड नेचर मूव। दिस कैन बी कॉल्ड अरेंजमेंट, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। जो भी हमने यहाँ पर दिखाया था कि विकास है, संघर्ष है, जो भी इनके बारे में संवाद, अरेंजमेंट के बारे में, एंटीथेसिस के बारे में और थेसिस सिंथेसिस के बारे में कहा था। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, द एसे गोज टू इनटू एन एंटीथेसिस सो दैट देयर कैन बी अ सिंथेसिस। द सिंथेसिस हाउएवर वुड बी कंस्टिट्यूट अ न्यू थेसिस, द प्रोसेस वुड बी रिपीटेड अंटिल ऑल कॉन्ट्रडिक्शन वेर रिजॉल्व, दस नो लॉज इज कंप्लीटली ट्रू एंड इमीडिएटली अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट टू इट। Truth and falsehood or both properties have aspect of the same proposition. Dialectic is a self-propelling. Each new stage of synthesis represents a higher stage of growth or more perfect stage or evolution of the process continues until the final stage of the truth is a reached. That is called the three stages grouping according to Hegel. ठीक है, इसके साथ ही next question is that मास के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। जो भी अभी क्वेश्चन हमने थ्री क्वेश्चन देख लिए वही हमें हेगेल के बारे में पूछे गए थे, अभी हम क्या मास के बारे में जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मास थिंग्स ड्राइव एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू मोरलिटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और द बुर्जुआसी। यानी मार्क्स का मानना यही है कि इतिहास से लेकर नैतिकता तक सब कुछ क्या संचालित करता है, राजनीति संचालित करता है, अर्थशास्त्र संचालित करता है, मनोविज्ञान संचालित करता है या बुर्जुआस जो भी क्लास है यानी पूंजीपति क्लास है यानी बुर्जुआस वर्क है इनके साथ ही वो क्या करता है, संचालित करता है। तो यहाँ पर हमें यह बताना चाहिए कि मार्क्स किसके बारे में ज्यादा पूछता है, किसके बारे में ज्यादा थिंक करता है। तो मार्क के बारे में जब भी हम पढ़ाई करते तो हम देख ले कि मार्क्स ने पूरे राजनीति के बारे में तो कहा ही है लेकिन वो स्टार्ट में नहीं कहते, वो अगले चरण में कहते, अगले यानी नेक्स्ट पोजिशन में कहते, लेकिन साथ ही शुरुआत में हमें किसके बारे में पता है, इसमें हमें इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता है लेकिन नैतिकता तब तक कुछ संचालित किसको करते हैं इतिहास से लेकर, तो यह राजनीति नहीं है। राजनीति के बारे में पहले चरण में नहीं पता है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में मार्क्स नहीं पता है, पूंजीपति और अर्थशास्त्र यहाँ पर हम 50-50 पर रह सकते हैं। लेकिन मार्क्स का इस यहाँ पर हमें क्वेश्चन यह पूछा गया है कि मार्क्स इतिहास से लेकर नैतिकता से तब सब कुछ संचलित करते हैं, यानी संचलित करते हैं तो इसी साथ वो वर्ग के साथ संचलित नहीं करते हैं, तो किसके साथ संचलित करते हैं, तो वह अर्थशास्त्र के साथ संचलित करता है। इसीलिए इनका आंसर जो है वही है बी, जो मार्क्स का मानना है कि अर्थशास्त्र इतिहास से लेकर नैतिकता का तक सब कुछ क्या करता है, संचलित करता है। यानी मार्क्स थिंग्स इकोनॉमिक्स ड्राइव्स एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू मॉरेलिटी। ठीक है, इसके साथ ही इसका आंसर है, आंसर इज दैट बी। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में मार्क्स का क्या कहना है, तो नॉट ओनली डज यूअर कॉन्शियसनेस डिटरमाइन यूअर एग्जिस्टेंस बट यूअर एग्जिस्टेंस डिटरमाइन यूअर अवेयरनेस। और अवेयरनेस किसके साथ बदलता है, तो आइडियोलॉजी मीन्स द फॉल्स कॉन्शियसनेस। इन एवरी एरा देयर वाज द इमेजिनेशन ऑफ द रूलिंग क्लास, द इमेजिनेशन ऑफ द रूलिंग क्लास, रिलीजन इटसेल्फ द फर्स्ट ऑफ द पीपल, गॉड इज मेड बाय मैन, the state itself is the executive committee of the bourgeois. What do Marx call economic determinants? This is Marx's philosophy of history. According to Karl Marx, economics factor, it is very important here, economics factor are the ultimate determinants of history. This means that every historical event has an economic reason. That's why the answer was
इकोनॉमिक रीजन यानी इकोनॉमिक्स के बारे में मार्क्स क्या करते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू मार्क्स थ्री फीचर्स ऑफ वर्कर्स लाइफ इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट एलिएशन, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन। एलिएशन, डिप्रेशन, एब्सोल्युटली ऑपरेशन, डिप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। एब्सोल्युटली ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन यानी मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाजों में श्रमिकों को जीवन की तीन विशेषताएं हैं, वह कौन सी है, यह हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो यह तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए में दिया गया है अलगाव यानी एलिएशन, उत्पीड़न, ऑपरेशन या शोषण, अलगाव, अवसाद, डिप्रेशन, अस्पष्टता। ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, अवसाद, शोषण, अस्पष्टता, उत्पीड़न और शोषण। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सप्लॉयटेशन सभी की तरह हम देख सकते हैं यानी मास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बोलते हैं यानी मास एक्सप्लॉयटेशन बारे में क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर भी है, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर भी है और एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है इसलिए हम ये क्या करते हैं यह जो भी ऑप्शन है यहाँ पर हमें इलिमिनेट कर सकते हैं। अब आगे देख सकते कि एलिएशन के बारे में हमें क्या किया, एलिएशन के बारे में मार्क्स ने हमें बताया, मार्क्स के विचार में एलिएशन कंसेप्ट की क्या है, एलियन के कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। तो इसके साथ ही ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया, ऑपरेशन तीन ही अलग अलग में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये तो हमने इलिमिनेट कर दिया है लेकिन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ऑपरेशन हम इलिमिनेट नहीं कर सके। रह गए एलिएशन के बारे में, एलिएशन देखते यहाँ तो यह डिलमिट हो गए। डिप्रेशन के बारे में नहीं कहा गया, एलिएशन के बारे में कहा गया। तो इसी कारण इसका जो आंसर है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स थ्री फीचर्स ऑफ वर्कर्स लाइफ इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर एलिएशन, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। जब भी हम क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं इलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं। जब भी हम इलिमिनेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जो भी सही जवाब है इनके पास हम पहुंच सकते हैं, इसलिए इलिमिनेशन मेथड का हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका जो भी आंसर है वहाँ पर यही रहेगा जो हमने इलिमिनेशन मेथड के साथ यहाँ पर अब पहुँचा दिया, यानी इलिमिनेशन मेथड के साथ ही हमने ये क्या कर दिया चूज कर दिया है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्क्स थ्री फीचर्स ऑफ वर्कर्स जो भी है वहाँ पर हम दिखाई देते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर एलिएशन, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका आंसर है आंसर इज दैट ए। तो थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स की क्या कहती है, तो कैपिटलिस्ट लिविंग इज ओन ग्रे, मार्क्स हैज डिस्क्राइब्ड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। हिज पॉइंट इज दैट कैपिटलिज्म इज द थीसिस, कैपिटलिज्म इज द एंटीथीसिस एंड कम्युनिज्म इज द सिंथेसिस। कैपिटलिज्म इज अ सेल्फ कंट्राडिक्टरी एक्सप्लॉयटिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर टू यूज वर्ड क्लियर, एक्सप्लॉयटिव, इनह्यूमन। कैपिटलिज्म ऑपरेट्स अनप्रॉफिटेबली एंड टू सस्टेन प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट रिसोर्ट टू वेरियस मेथड, दे ट्राई टू मेंटेन प्रोडक्शन कॉस्ट टू इंक्रीज द मिनिमम एंड प्रॉफिट और इन द प्रोसेस दे पे मिनिमम वेजेस टू द workers and keep an additional amount of automating. Under the capitalism, the wage law is such that workers cannot be paid more than is necessary and the necessary enough for the lustful. Later, the capitalists will take over tomorrow. It is not possible to keep the profit going forward. Therefore, the next option is to further reduce the wages of workers. There are more workers and workers have very limited bargaining power or many workers lose their jobs in this process. In this way, a completely unbalanced situation would be created. The entire wealth of society is concentrated in the hand of only few people, that is called as bourgeois, and on the other hand there is an immense boon. Awareness and exploitation is the increases. There is a main three features there, alienation, exploitation and oppression. Theek hai, so next question is that मार्क्स के बारे में ही हमें यहाँ पर बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स गोल इज फॉर द मींस ऑफ प्रोडक्शन टू बिलोंग्स टू द बूर्जुआज, द वर्कर्स, द एवरीवन, द प्रोलेटेरियट, यानी मार्क्स का लक्ष्य उत्पादन के साधनों को किससे संबंधित करना चाहते हैं, तो पूंजीपति वर्ग यानी बूर्जुआज क्लास को, श्रमिक को, हर कोई यानी एवरीवन या सर्वहारा वर्ग को। तो मार्क्स का लक्ष्य उत्पादन के साधनों को जो भी
संबंधित करना चाहते हो, पूंजीवत वर्ग यानी बुर्जुआ क्लास को करना चाहते हैं क्या? नहीं, सर्वहारा वर्ग को भी नहीं करना चाहते, रहते श्रमिक और हर कोई, लेकिन मार्क्स सभी को क्या करना चाहते हैं, लक्ष्य करना चाहते हैं। इसके साथ श्रमिक के बारे में वह बोलती ही है, लेकिन मार्क्स का पूरा लक्ष्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो मार्क्स का लक्ष्य उत्पादन के साधनों के साथ हमें हर कोई यानी एवरीवन बिलोंग्स टू द प्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, दैट इज मार्क्स गोल इज फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू बिलोंग्स टू एवरीवन। ठीक है, तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट सी, एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्स थिंक्स दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम, ओके, मार्क्स थिंक्स दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज द इकोनॉमिक सिस्टम दैट द बेस्ट प्रोटेक्ट्स लिबर्टी, इज अल्टीमेटली सेल्फ डिफेंडिंग, प्रोटेक्ट द वर्किंग क्लास बेटर देन अदर इकोनॉमिक सिस्टम, या इज अल्टीमेटली द मोस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम। यानी मार्क्स का यह मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था क्या है, वह पूंजीवाद व्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वह क्या है, यहाँ पर हमें मार्क्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर हमें मार्क्स के बारे में पूछा गया है। वह क्या है? वह आर्थिक व्यवस्था है जो स्वतंत्रता की क्या है, सर्वोत्तम रक्षा करती है। वह आर्थिक व्यवस्था है लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा करता है क्या? नहीं करता, इसलिए वह क्या हो सकते हैं, इलिमिनेट हो सके। अंततः वह आत्म पराजय है यानी सेल्फ डिफेंडिंग है क्या? ठीक है, यह हम थोड़ी देर में देख सकते हैं। साथ ही सी में देखते हैं कि अन्य आर्थिक प्रणालियों की तुलना में श्रमिक वर्ग की बेहतर सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर हमें मार्क्स ने यहाँ पर हमें नहीं पता कि यह आर्थिक प्रणाली की तुलना में श्रमिक वर्ग का सुरक्षा यानी बेहतर सुरक्षा करती है क्या? नहीं, अल्टीमेटली पूंजीवाद व्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो भी है वह वर्किंग क्लास जो है उनकी क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, इसी कारण यह भी इलिमिनेट होता है। साथ ही अंत सबसे प्रभावी आर्थिक प्रणाली है, नहीं ये भी हमें मार्क्स ने नहीं बताया, तो पर यहाँ पर यह भी इलिमिनेट होते हैं। तो इनके साथ ही जो भी रह जाते हैं, जो भी इलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन रहता है वह हमारे क्या होते हैं, चूज करने वाला वह हमारा राइट आंसर होते हैं। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था जो भी है वह क्या है, अंततः आत्म पराजय, यानी मार्क्स थिंक्स दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडिंग। तो इसके साथ ही इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट बी, जो इज अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडिंग है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मार्क्स एंड स्लेव्स इन फ्यूडल सोसाइटी एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गिल्ड मास्टर्स एंड माइग्रेंट्स और प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी। द इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म वॉज ड्यू टू द इवेंट ऑफ मैकेनिज्म एंड द फैक्ट्री सिस्टम रादर दैन फॉर्म्स अदर दैन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सिंथेसिस क्रिएटेड टू न्यू कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस द कैपिटलिस्ट क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास विच वॉन्ट्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द लेबर क्लास और प्रोलेटेड क्लास विच हैज टू सेल देयर लेबर और सर्वाइव। इसके साथ ही जो भी हमें पता है कि जो अंततः आत्म पराजय यानी मार्क्स का यह मानना है कि यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है जो अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडिंग है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन देख लिए जो भी मार्क्स पर रहते थे, आगे जो देखते हैं नई थिंकर का है, जो एक क्वेश्चन है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगन्स विद विच वन ऑफ देम। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगन्स विद मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, मीन और नन ऑफ दिस। यानी आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से होती है? मैकियावेली से होती है, मॉन्टेस्क्यू से होती है, मिल से होती है, यानी इनमें से कोई नहीं। आधुनिक राजनीतिक जो भी चिंतन है, आधुनिक जो भी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वहाँ पर हमें मॉन्टेस्क्यू साथ नहीं होता, मिल के साथ भी नहीं होता, नन ऑफ द नहीं है। तो इनका कारण जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगेंस विद जो भी है वह मैकियावेली के साथ है, यानी आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मैकियावेली के साथ ही होती है। मैकियावेली लेट्स केम टू द मेंटल ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस इन अ कॉन्ट्रास्ट विद अरिस्टोटल क्लासिकल नॉर्म्स एंड विजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ वर्चू। यानी मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान के संस्थापक होने का क्या करते हैं, दावा करते हैं, जो कि अरस्तु के जो सदाचार के राजनीतिक विज्ञान के शास्त्रीय आदर्श युक्त दृष्टिकोण से क्या है, विपरीत। इसी कारण मॉडर्न जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक है इनके शुरुआत करने वाले हमें मैकियावेली थॉट यानी मैकियावेली राजनीतिक तत्वज्ञ जो है उन्हीं का नाम लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर
who brought the concept of state in political science. Machiavelli, Saint Thomas Aquinas, Engels या हिटलर, यानी राजनीति विज्ञान में राज्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक कौन थे? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया था। जो भी जो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है, जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट पॉलिटिकल साइंस में से जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है, वह उन्होंने क्या की है, प्रथम अवधारणा की है, जो मैकियावेली रहे, सेंट थॉमस एक्विनेस है, एंजल्स है या हिटलर। हिटलर तो नहीं है, जो भी उन्होंने क्या पॉलिटिकल थॉट में कंसेप्ट ऑफ स्टेट लाई है, एंजल्स भी नहीं है। सेंट थॉमस एक्विनेस के बारे में हमने बताया थे, लेकिन मैकियावेली जो भी है वही उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए। इसी कारण जो भी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जो भी रहेंगे, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस जो भी लाई होगी, वह मैकियावेली ने लाई होगी। इसी कारण राजनीति विज्ञान में राज्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक कौन थे, तो वह मैकियावेली थे। साथ ही इसका आंसर है मैकियावेली, जो उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में राज्य की अवधारणा लाने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक होने का क्या किया है, मुकुट परिधान किया हुआ है। इसके साथ ही द स्टेट इटसेल्फ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रैशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी फैमिली सिटीजन ओनर एंड कीपिंग द सोसाइटी सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इनिमीज आर द कंटिन्यूस टास्क ऑफ द स्टेट। स्टेट के बारे में हमें इमीडिएटली किसने पता है, मैकियावेली के बारे में पता है कि इट इज अ कॉन्स्टेंट वर्क ऑफ द स्टेट टू क्रिएट सच अ सिचुएशन दैट द पीपल विल बी इकोनॉमिकली वेल ऑफ एंड टू इंश्योर दैट द क्लास दैट इज द फुल ऑफ वेल कम्फर्ट एंड लग्जरी इज नॉट क्रिएटेड। मेकिंग अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द डायवर्सिटी टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज सिटीजन इज साइन ऑफ गुड गवर्नेंस दोज हु वांट रिकॉग्नाइजिंग बाय यूजिंग द सर्विस ऑफ सच वर्चू पीपल ऑफ द स्टेट बिकम प्रोग्रेस स्टेटस एज पर डिग्निटी इन द साइन ऑफ द गुड स्टेट। Because the state institution performs the function social in the individual, the state is the instrument of man's selfishness, safety and health benefit the state. People who are ambitious and brave become rulers. Importance means fame, fame itself worthless. Machiavelli, it is the use the word virtue in the doubtful sense, but the mean that virtue means bravery. According to him, being virtue means being a brave man who is a victorious in a battle. The ability to achieve victory in war has foresight, self-discipline, consistency of the thought, strong determination, clear vision of the goal, tendency to make immediate decision, tireless effort, public gathering, etc. Yani qualities are required. Here, Machiavelli used the word virtue and as well as the word as a modern thinkers of the political science. ठीक है, the next question is that, next last question is that in this session Machiavelli wrote a book that reflect his political theory was the Communist Manifesto, the Republic, the Prince, the none above them. Machiavelli ने एक पुस्तक लिखी जो उनके राजनीतिक सिद्धांतों को क्या करती है, दर्शाती है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द रिपब्लिक, द प्रिंस है या नन ऑफ द अबव। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट जो है वह मार्क्स ने बताया, इसलिए यह भी यहाँ पर इलिमिट होता है। रिपब्लिक जो है प्लेटो ने लिखा है, यहाँ पर इलिमिट होता है। नन ऑफ द अबव तो नहीं रह सकते, इनमें से जो भी 50-50 रह गए, तो मैकियावेली के बारे में हमें पता ही पूरा जानकारी लेनी ही चाहिए। जो भी थिंकर्स है, मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि जो भी हमारे थिंकर्स है हमारे सिलेबस के, वही हमें क्या करना है कि थिंकर्स और उनके जो भी लिखा हुआ जो भी बुक्स है, उनके जो भी रिटर्न बुक्स है, वही हमें क्या करने नोट डाउन करनी चाहिए और वह हर बार दोहराना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, बार बार रिविजन करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर्स पर और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी क्या किया है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में हमें पूछे गए क्वेश्चन है, और हम यहाँ पर जो भी थिंकर्स है उनके लिखे हुए जो भी रिटर्न बुक्स है ऐसे, इनके बारे में हमें मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि यह हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं और हम यह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम रोज क्या कर सकते हैं, जो भी थिंकर्स है उनके उनके जो भी बुक्स है, रिटर्न बुक्स है, वह हमें एक पेज पर हमारे डायरी पर वो नोट डाउन करनी चाहिए, और वह हम रोज क्या करना चाहिए, रिविजन करनी चाहिए,
इस रीजन कर लीजिए और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यह जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैकेवेल ने एक पुस्तक लिखी है जो राजनीतिक सिद्धांतों के क्या करती है दर्शाती है, तो वही कौन सी बुक है, तो वही है प्रिंस। यहाँ पर हमने लिमिट करने के बाद बताया गया है कि द प्रिंस के बारे में मैकेवेल क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वहाँ पर क्या करती है रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, जो मैकेवेल रोट अ बुक दैट रिफ्लेक्ट हिज पॉलिटिकल थ्योरी वॉज द प्रिंस। यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द इसेंस ऑफ मैकेवेल पॉलिटिकल फिलोसफी इज कंटेंट इन हिज बुक द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेज द मैकेनिज्म फॉर हाउ टू एक्वायर एंड सिक्वेस्टेड पावर इज द प्रिंस ऑफ द बुक डेवलप्ड बाय मंडाला। ही हैज मेंशन द टू कॉमन टाइप्स ऑफ स्टेट्स लाइक मोनार्की एंड द रिपब्लिकन पावर। इनमें से वहाँ पर बुक में क्या दिया है इनके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो द डिस्कोर्सेज इज अ बुक दैट इज अ रिव्यू ऑफ द हिस्ट्री और ट्रीटीज ऑफ रोमन हिस्टोरियंस। यहाँ पर लेट मी टेल यू व्हाट रूल्स अ सक्सेसफुल पर्सन शुड कीप इन माइंड व्हाइल ट्राइंग टू गेन एंड मेंटेन पावर। अकॉर्डिंग टू हिम द रूल्स ऑफ पॉलिटिकल कंडक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स व्हिच डिस्कस मोरल आइडियल्स। द इंटेलेक्चुअल कैन एक्सेस द रूलर्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड डिरेक्टली ऑपरेटिंग पॉलिटिकल लीडर सीक्रेट कंस्पेंशन ऑपरेट्स विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। Enemies become friends, friends become enemies, there can be sudden attacks from outside, there is no possibility of mischief, there is no relief in overcoming the crisis of ruling power in such diverse and complex human behavior with the help of the like ideals and values. That is the essence of Machiavelli's political philosophy is contained within his book The Prince and the others book that the Discourses. ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर जो भी हमारे आज के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन और जो भी हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो हमने हेगेल मार्क्स और मैकेवेली के बारे में दिखाई दिए वही हमने क्या की डिस्कस की गई है, जो भी हमें हमारे आने वाले एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही आपका जो यह सेशन है आपको कैसा लगे वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो भी आपकी सजेशन रहेगी वही भी हम क्या कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और इसके साथ ही नेट के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वही भी हम मैंने बार बार आपको बताया और अब भी मैं बताना चाहती हूँ कि नेट के लिए जो भी एग्जाम रहती है MCQs एग्जाम के लिए हर रोज क्या करना है प्रैक्टिस करने, जो भी हमारे MCQs रहते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं वो हमें क्या करने है रोज हर बार रोज क्या करने 50+ जो भी क्वेश्चन है हमें क्या करना है प्रैक्टिस करना है 50+ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के रहेगी पेपर सेकंड के रहे 50+ क्वेश्चन जो है हम रोज प्रैक्टिस करने। इसके साथ ही MCQs के क्या हो सकती है हमें फैमिलियर हो सकते हैं, इसके साथ ही हम क्या करते हैं MCQs के बारे में हम ज़्यादा जान ले सकते हैं। जब भी हमें हमारे साथ जो भी MCQs आगे क्वेश्चन आए तो हम क्या कर कन्फ्यूज नहीं हो जाएंगे और हमें पूरा जो भी घबराहट हो सकती है क्वेश्चन के बारे में वही क्या हो सकती है कम हो सकती है। अभी तक हमने क्या किया है कि PG पे UG पे हमने रिटर्न एग्जाम दी है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के साथ ही हम यहाँ पर पास हो गए, लेकिन जो भी यह हमारे क्वालिफाई एग्जाम है जो भी NTA नेशनल UGC नेट लिखते हैं जो भी हमारी यह पात्रता एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यह हमारी कैसी है तो MCQs के बारे में है। तो MCQs के बारे में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के हमें जो भी मेथड से ट्रिक्स है जो भी एलिमिनेशन मेथड है ट्रिक्स है अदर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स है रिटर्न बुक्स है ऐसे है कंसेप्ट है जो भी थिंकर्स के बारे में थॉट के बारे में जो भी थॉट्स थिंकर्स है कंसेप्ट है वही हमें पूरी मालूम होनी चाहिए। वही एक जो भी ट्रिक्स हो मालूम होनी चाहिए इनके साथ जो भी हमें क्या करना है क्वेश्चन के बारे में और क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में हमें क्या हो सकती है इनकी मदद हो सकती है। इसलिए बार बार जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूर है। रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहते आपकी आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुकलेट है उपकार पब्लिकेशन के अरियन पब्लिकेशन के जो भी मार्केट में जो भी आपको अवेलेबल होगी वहाँ से हम क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं और उनके साथ ही आपको रोज क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद ही आपको MCQ के जो भी क्वेश्चन है बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका क्या हो सकता है स्कोर बढ़ता जा सकता है और इसी साथ ही आपको क्या होगा
आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।